हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत शिक्षकीय तीन जानकारी ऑनलाइन जरूर दर्ज करें, इसकी होगी मॉनिटरिंग। एम शिक्षा मित्र पर भरे जाने वाले फॉर्म, प्रतिदिन दर्ज की जाने वाली जानकारी, साप्ताहिक दर्ज की जाने वाली जानकारी, मासिक दर्ज की जाने वाली जानकारी। सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग स्मृति को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। एम शिक्षा मित्र ऐप ओपन करें, एरो के साइन पर क्लिक कर होम पेज पर आएं। हमारा घर हमारा विद्यालय ऑप्शन पर क्लिक करें। आपको तीन प्रकार की जानकारी दर्ज करनी है, प्रतिदिन जानकारी, साप्ताहिक जानकारी, मासिक जानकारी। तीनों प्रकार की जानकारी को किस प्रकार दर्ज करना चाहिए वीडियो में देखते हैं। प्रतिदिन दर्ज की जाने वाली जानकारी क्लिक करें। यह जानकारी आप सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे के बीच में दर्ज कर सकते हैं, इसके पश्चात दर्ज जानकारी मान्य नहीं की जाएगी। यहां से कार्यवाहक पद हेड मास्टर टीचर सिलेक्ट करें। रेडियो बटन पर टैप कर आप कार्यवाहक पद सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके पश्चात व्यक्तिगत जानकारी में आप कौन सी कक्षा पढ़ाते हैं सिलेक्ट करना है। आपने आज कितने विद्यार्थियों से बात की, 5 से अधिक, 5 से कम या 5 जितने भी विद्यार्थियों से चर्चा की गई है वह संख्या सेलेक्ट करें। आज आपने कितने मेंटरों को फोन किया, 5 से कम, 5 या 5 से अधिक जितने मेंटर से चर्चा की गई है वह संख्या सेलेक्ट करें। इसके पश्चात आपने घर जाकर कितने विद्यार्थियों से संपर्क किया वह संख्या दर्ज करें, 5 से कम या 5 से अधिक। जितने विद्यार्थियों से घर जाकर संपर्क किए हैं चयन करें। नेक्स्ट जानकारी अभ्यास पुस्तिका से संबंधित दर्ज करना है। आपके द्वारा छात्रों द्वारा किए गए अभ्यास कार्य की जांच की गई और फीडबैक दिया गया, जांच नहीं की गई, जांच की गई पर फीडबैक नहीं दिया गया, जांच की गई तथा फीडबैक दिया गया। उपरोक्त तीनों विकल्पों में से जो कार्य आपने किया है वह सिलेक्ट करें। अगली जानकारी संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा एक पेज हिंदी लेखन किया जा रहा है। यह जानकारी प्रतिशत में दर्ज करना है। जितने विद्यार्थी हिंदी लेखन कर रहे हैं उनका प्रतिशत निकालकर इन आंकड़ों में से सेलेक्ट करें। अगली जानकारी अंग्रेजी लेखन से संबंधित है। जितने प्रतिशत विद्यार्थी द्वारा अंग्रेजी लेखन किया जा रहा है इन विकल्पों में से चयन करें। सबमिट आंसर वाले बटन पर क्लिक करें। इस प्रकार आपके द्वारा दर्ज की गई प्रतिदिन की जानकारी दर्ज हो जाएगी। इसके पश्चात आइए देखते हैं साप्ताहिक दर्ज की जाने वाली जानकारी कैसे दर्ज करेंगे। यहां भी पहले आपको कार्यवाहक पद सेलेक्ट करना है, सुपरस्टार आप कौन सी कक्षा पढ़ाते हैं सिलेक्ट करना है। इसके पश्चात रेडियो स्कूल से संबंधित जानकारी विद्यार्थियों की दर्ज करनी है प्रतिशत में। आपके द्वारा संपर्क किए गए कक्षा 1 से 5 के कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने रेडियो स्कूल कार्यक्रम प्रतिदिन सुना है, दिए गए विकल्पों के प्रतिशत में से चयन करें। इसके पश्चात 6 से 8 कक्षा के विद्यार्थियों की जानकारी दर्ज करनी है। आपके द्वारा संपर्क किए गए कक्षा 6 से 8 के कितने विद्यार्थी रोज टीवी क्लास देख रहे हैं, दिए गए विकल्पों में से चयन करें। अगली जानकारी में आपके द्वारा संपर्क किए गए कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को समय सारणी उपलब्ध हो गई है, यह जानकारी भी प्रतिशत में दर्ज करनी है। दिए गए विकल्पों से चयन कर जानकारी दर्ज करें। सबमिट आंसर पर क्लिक करें। इस प्रकार आपके द्वारा चयन किए गए विकल्प की साप्ताहिक सेव हो जाएगी। आइए अब इस वीडियो में आगे मासिक दर्ज की जाने वाली जानकारी को कैसे को सबमिट करना है देखते हैं। दीक्षा ऐप के होम पेज पर मासिक दर्ज की जाने वाली जानकारी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको कार्यवाहक पद चयन करना है। इसके पश्चात आपके द्वारा पढ़ाई जाने वाली कक्षा का चयन करना, जानकारी माह में एक बार भरी जानी, 2 आपके विद्यालय में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा समय सारिणी अनुसार सहभागिता की जा रही है, 1 25% से कम, 2 26%, 50%, 3 51%, 75%, 4 76%, 100%। उपरोक्त दिए गए विकल्पों में से जो लागू हो उसका चयन करें। वर्ष 2019-20 में आयोजित एनलाइन टेस्ट के आधार पर वर्ष 2021-22 का बेसलाइन मानते हुए बच्चों की अंकुर, तरुण एवं उमंग समूह में पहचान कर ली गई है। साप्ताहिक प्रश्न
हाँ या नहीं में से विकल्प का चयन करें। आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में अंकुर समूह में कितने विद्यार्थी हैं? मोबाइल व्यक्तिगत संपर्क, यहाँ संख्या दर्ज करनी है। अंकुर समूह के विद्यार्थियों की संख्या दर्ज कर आगे जाए पर क्लिक करें। आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में तरुण समूह में कितने विद्यार्थी हैं? मोबाइल व्यक्तिगत संपर्क, यहाँ तरुण समूह के विद्यार्थियों की संख्या दर्ज करें। आगे जाए पर क्लिक करें। आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में उमंग समूह में कितने विद्या है? मोबाइल व्यक्तिगत संपर्क, यहाँ उमंग समूह के विद्यार्थियों की संख्या दर्ज करें। आपकी कक्षा के लिए कितने मेंटर्स का चयन किया गया है? मेंटर की संख्या दर्ज कर आगे जाए पर क्लिक करें। अगले पेज पर आपके द्वारा दर्ज की गई सभी जानकारियां दिखाई देगी। आप सभी जानकारियों को पुनः चेक कर सकते हैं। सबमिट आंसर पर क्लिक करें। इस प्रकार मासिक जानकारी दर्ज हो जाएगी।